जय हिंद दोस्तों, आज हम HCM एंड HCGD की सैलरी के बारे में जानेंगे कि किसको कितनी सैलरी मिलती है। जो अभी SSC GD से आने वाले कैंडिडेट्स हैं वो HCM भी बन सकते हैं और HCGD भी बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके। और इसके पहले मैं HCM का सिलेबस का भी वीडियो बना दिया हूँ और SCGD प्रमोशन का भी वीडियो बना दिया हूँ कैसे होता है, SILDC का भी बना दिया हूँ। ये सभी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। मैं आई बटन में भी दे दूंगा और इन स्क्रीन में भी वो वीडियो दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से भी देख सकते हो कांस्टेबल GD से कितनी ज्यादा सैलरी उनको मिलती है HCM में और हेड कांस्टेबल GD में। तो हम इस वीडियो में आपको सैलरी स्लिप के माध्यम से दिखा करके बताएंगे, जिससे आपको पूरी सैलरी के बारे में पता चल जाए और क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं वो भी आपको मालूम चल जाए और क्या आपका डिडक्शन होता है वो भी आपको मालूम चल जाए। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आप स्किप करते हैं या नहीं देखते हैं पूरा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको स्पष्ट समझ में आएगा। चलिए हम बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सैलरी से। ये देखिए यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लिखा है जिसे बोलते हैं HCM। HCM की सैलरी से हम शुरू करेंगे तो जैसे ही मेरी पे स्लिप है ये देखेंगे आप, सोनू कुमार लिखा है तो यहाँ पे आपका नंबर हो जाता है, यहाँ पे आपका जो ऑफिस है नाम हो गया, ये डिजाइनेशन हो गया जो ये लिखा है, उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल हो जाती है, बैंक का जो है एड्रेस हो जाता है, ये जी ऑफिस GPF है कि नहीं है, जो यहाँ पे GPF नंबर होता है, DCPS होता है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होता है, यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर होता है। हमारा सबसे पहले आ जाता है बेसिक पे। बेसिक पे हमारा कौन सा है, ये हमारा बेसिक पे आप देख लें, बेसिक पे 30,500 रुपया है, ठीक है, बेसिक पे 30,500 रुपया है। उसके बाद ग्रेड पे वाला सिस्टम पहले था 6th CPC तक, उसके बाद 7th CPC से ग्रेड पे हटा दिया तो बेसिक पे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या जाता है, पेंशन तो इसमें देता नहीं क्योंकि अभी हम वर्तमान में कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, इसलिए पेंशन नहीं देगा। पर्सनल पे या PA ये भी नहीं है, स्पेशल पे, कोई स्पेशल पे आता है तो आपका यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है वॉशिंग अलाउंस क्या है, पहले चलता था ये 6th CPC तक चलता था, ठीक है, जो 6ठा वेतन आयोग था वहां तक चलता था, 7वें वेतन से इसको हटा दिया। उसके बाद आ गया अपना राशन मनी, जो बोलते हैं ये है अमाउंट, राशन मनी जो खाने का पैसा होता है, राशन मनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये HCM की सैलरी है, आप लोग समझेंगे। उसके बाद में यहाँ नीचे देख रहे होंगे आपको दिख रहा है कोबरा अलाउंस, ये इंस्पेक्टर तक का जो है ग्रुप बी तक का 17,300 मिलता है, ठीक है, ये फोर्स में 17,300। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका डिक्स अलाउंस, ये डिक्स अलाउंस भी आपका जो है 17,300 ही है, जैसे कि ये मिलता है J&K हो गया, आसाम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, AP हो गया, इन सब जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपको 17,300 मिलेगा। उसके बाद 9,700 भी मिलता है जो उससे थोड़ा नॉर्मल होता है, ठीक है, ये भी ध्यान देना आप लोग। उसके बाद क्या मिलता है, ये मिलता है 7,450 भी मिलता है उससे जो और थोड़ा नॉर्मल होता है, ठीक है। रिक्स अलाउंस RA जिसे बोलते हैं, ठीक है, रिक्स अलाउंस, ये वहाँ ये तीन प्रकार से रिक्स अलाउंस मिलते हैं, 17,300 मिलता है, 9,700 मिलता है और आपको 7,450 मिलता है, ठीक है, ये तीन रिस्क अलाउंस आपको मिलता है क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, आप लोग ये चीज ध्यान देंगे, आपको बहुत विस्तार से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HRA जिसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ये HRA है। HRA कितना परसेंटेज मिलता है, HRA आपको 24%, 7 CPC के अनुसार 16%, उसके बाद में आपको 8%, जैसे ये है, ये महानगर के लिए, जो बड़े बड़े महानगर हैं, हाईटेक सिटी हैं, वहाँ पे आपको 16% दिया जाएगा, वहाँ पे आपको क्वार्टर होगा, किराया लिए होंगे तो। उसके बाद ये जो उससे थोड़ा नॉर्मल होगा, इलाहाबाद, जयपुर, जो थोड़ा सा अच्छी सिटी है वो भी वहाँ पे 16% दिया जाएगा। ये है जो नॉर्मल सिटीज हैं और जो रूरल क्षेत्र हैं, गांव वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपको 8% दिया जाता है। किसका दिया जाता है आपको, बेसिक पे का दिया जाता है, ठीक है, जो आपकी बेसिक पे रहेगी, बेसिक वेतन जो रहेगा उसका जो है आपका 24%, 16% या 8%, ठीक है, इस अनुसार आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको HDA आपको स्पेशल जो है ये आसाम की तरफ मिलता है, आसाम साइड में, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद HCA ये भी उधर मिलता है। और यहाँ पर आ गया CA/ट्यूशन फी, जो CA होता है दोस्तों, CA की बात करें हम, ये हमारा है CA ये बोलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, शिशु शिक्षण भत्ता, इसे हम शिशु शिक्षा भत्ता बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या मिलता है, ये आपके दो बच्चों का मिलेगा, कब तक मिलेगा, जब आपके बच्चे जो है 12th क्लास तक पढ़ेंगे, कहाँ से, आपका प्लेग्राउंड से, PG से, चाहे उसको LKG बोल दो, LKG UKG, उसके बाद 1 से लेके 12 तक आपका मिलेगा, मतलब है कि 14-12 आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कितना मिलेगा, एक बच्चे का आपको मिलेगा 27,000 एक बच्चे का, प्लस फिर 27,000 और दूसरा बच्चा भी है, तो आपका टोटल कितना हो गया, 54,000 हो गया दोस्तों, ठीक है।
हर वर्ष आपको आपके दो बच्चों का, चाहे आपके पांच बच्चे क्यों ना हो, लेकिन आपको दो ही का मिलेगा। आप ध्यान देना, दो ही का मिलेगा, पांचों का नहीं मिलेगा, ठीक है, सभी का, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, सभी का इक्वल। अभी हम बात करेंगे ट्रेनिंग अलाउंस। यदि आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में हो, आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, जैसे एसएससी जीडी वाले भी आ रहे हैं, एसएससी जीडी वाले हो गए, एससीएम वाले हो गए, सीपीओ एसआई वाले हो गए, एसी वाले हो गए, ठीक है, इन सबको जो होता है वो जो ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं तो उनको जो है ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डेपुटेशन, डेपुटेशन, डेपुटेशन में क्या है, एनएसजी, ईएसपीजी, एनआईए, ठीक है, एसडीजी, ठीक है, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ, सीबीआई, आईबी, ये सब जो जाते हैं उनका जो है यहाँ अलाउंस उनको लगता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उनको मिलता है। उसके बाद में आप आरएफ में जाते हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स होता है, रैपिड एक्शन फोर्स, जैसे आरएफ है हमारी 15 यूनिट है सीआरपीएफ की, उसमें आपको आरएफ अलाउंस मिलता है। और टीपीटी आपको मिलता है लगभग 1800 से 2000 के बीच में आपको टीपीटी मिलता है, ठीक है। ये अदर अलाउंस जो दे रहा है दोस्तों, आप अदर अलाउंस देख रहे होंगे, अदर अलाउंस में जैसे कभी एरियर आ गया आपका, मान लीजिए आपका रिस्क अलाउंस का एरियर आया, तो आपको अदर अलाउंस में शो करेगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे दे देगा आपका, ठीक है, ये अमाउंट जितना होगा 15000 होगा चाहे 15 लाख होगा, वो आपको यहाँ दे देगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपका डीए का एरियर आएगा, जैसे मान लीजिए आपका डीए, आपका डीए रेस अलाउंस यहाँ पे है, जो कि बेसिक पे मिलता है, तो आपका डीए का एरियर आया, तो आपका डीए का एरियर मान लो कि कभी एक साल दो साल का रह गया है, तो 50000 आया, 20000 आया, ठीक है, आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर टीपीटी एरियर, जैसे बताया था आपको टीपीटी एरियर, टीपीटी यहाँ दिया है, उसका एरियर आएगा तो यहाँ रहेगा। उसके बाद में हेयर कटिंग, हेयर कटिंग आपका देखो लग रहा है 45 रुपया, उसके बाद सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस का आपको 45 रुपया, और आपका राम अलाउंस का आपको देख रहे होंगे 248 रुपया, जो आपके दारू का पैसा है, मदिरा का पैसा है। एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस, एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस जैसे हो गए फीटर हो गए, व्यूलर हो गए, ठीक है, आर्मोरर हो गए और रेडियो ऑपरेटर हो गए, उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस मिलता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, उसलिए उनको वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस मिलता है दोस्तों, ठीक है, ये क्लियर हो गया एक्स्ट्रा वर्क। उसके बाद अगर राशन मनी, जो खाने के पैसे का एरियर है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यदि आपको रुका रहेगा तो, वैसे एसडीए का एरियर, वैसे कोई अर्थ एरियर रहेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है, 61839 रुपया, ये मेरी सैलरी बन रही है। आप देखें ग्रॉस सैलरी दिख रही है आपको, आपके सामने आपको ग्रॉस सैलरी दिखी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिडक्शन क्या क्या हुआ है, डिडक्शन, इसमें डिडक्शन क्या क्या हुआ है, आप यहाँ देखेंगे आपको इनकम टैक्स मेरा कटा है कितना, 13317 रुपये, ठीक है, 13317 रुपये मेरा इनकम टैक्स कट गया है। जो 2003 तक भर्ती है उनके लिए जीपीएफ है, जो वो कटा सकते हैं अपनी मर्जी से, कितना भी कटाना चाहें वो यहाँ पे उनका कटेगा। जो 2004 से भर्ती हैं उनके लिए डीसीपीएस है, डीसीपीएस, जो एनपीएस से संबंधित है, न्यू पेंशन सिस्टम से संबंधित है, तो यहाँ पे उनका कटेगा ये। उसके बाद इतना ही उनको गवर्नमेंट देगी, 3569 रुपया इंटू टू, इतना मुझे सरकार देगी, तो ये मेरा अमाउंट यहाँ पे मेरे खाते में जुड़ता रहेगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये 30 रुपया आपका कटता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे टोटल डिडक्शन कितना हुआ है, 16916 रुपया हुआ है, 16916 रुपया ये हुआ है आपका, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो इसके बाद में आपका क्या होता है, आपका फिर ये आपका जो है ऑफिस लेवल पे कटौती होती है, जो ये 250 रुपया आपका कटा है, 16916 प्लस 250 रुपया, हम इसमें माइनस करेंगे, ग्रॉस में, ग्रॉस में माइनस करेंगे, तो हमारी नेट सैलरी ये बन जाएगी 44063 रुपये, ठीक है, ये हमारी ग्रॉस सैलरी है। यदि देखो, यदि हमारी जो ग्रॉस सैलरी है, अगर ये हमारा इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं कटा होता, इनकम टैक्स नहीं कटा होता, तो 44063 रुपया प्लस हो जाता है यहाँ पे 13317 रुपया, तो ये समझ लीजिए कि मेरी सैलरी वही 5859 के पास पहुँच जाती थी, लेकिन इनकम टैक्स काट लिया, इनकम टैक्स काट लिया, तो टोटल हमारी सैलरी आप देख सकते हैं, टोटल हमारी सैलरी आपको दिख रही होगी ये है, अब इसमें आप जोड़ सकते हो 13317 रुपये जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ग्रॉस सैलरी है। तो ये रही एच सी एम की सैलरी, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, एच सी एम की सैलरी बोले तो मेरी सैलरी, ठीक है, बोले तो मेरी सैलरी, ठीक है दोस्तों। अब हम ले चलते हैं आपको जी डी की सैलरी की ओर, जो हवलदार जी डी है उनकी सैलरी की ओर ले चलते हैं। उनकी सैलरी आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल ये सेम रहती है, पूरी डिटेल ये सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद में बेसिक पे इनकी जो है 39000 है, और इनकम टैक्स 3000 कटा है, और ये जी पी एफ कटा रहे हैं 12000 रुपया, ठीक है, और ये इनका जो है राशन मनी मिला है 3636 रुपया, और इनका एच आर ए है यहाँ पे 6272 रुपया, और इनका डी ए है 6664 रुपया, और इनका टी पी टी मिल रहा है, देखो इनको यहाँ पे टी पी टी मिल रहा है, ठीक है, 2016 रुपया। तो और इनके बाद इनको मिला है ये अदर अलाउंस, अदर अलाउंस जिनके पास मेडल भी है उनको भी मिलता है 2000 रुपया, जिनके पास पी एम जी होता है, पी एम जी मेडल होता है, उनको 2000 रुपया मिलता है, और जिनके पास पी पी एम जी होता है, पी पी एम जी होता है, पी पी एम जी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ठीक है, उनको 3000 रुपया मिलता है, और जो पी एम जी होता है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ठीक है, उनको 2000 रुपये पर मंथ मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है, ये हो गया दोस्तों।
उसके बाद इनकी ग्रॉस सैलरी आप देखेंगे, इनकी है 59,965 रुपया, और इनका टोटल डिडक्शन है 15,030 रुपया, 15,030 रुपया प्लस ये, इसमें हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी कितनी हो गई सैलरी, 44,078 रुपया। ये हो गई दोस्तों एससी जीडी की सैलरी, जो हेड कांस्टेबल जीडी होते हैं, जो जनरल ड्यूटी होते हैं, ठीक है दोस्तों।